पूर्वी दिल्ली के शकरपुर गांव के स्प्रिंटिंग प्रेस के भीतर उस वक्त सनसनी फैल गई जब दो हथियारबंद बदमाशों ने यहां पर घुसकर प्रिंटिंग प्रेस की मालकिन निशा खान की गला रेतकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। निशा खान को मौत के घाट उतारने से पहले दोनों बदमाशों ने प्रिंटिंग प्रेस के भीतर मौजूद सभी कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया और वहां पहुंच गए जहां निशा मौजूद थी। महिला लेडीज थी, फैक्ट्री कोई काम करती थी यहाँ पर, तो उसका कोई ये सुनने में आया कोई मर्डर हो गया है, किसी ने मार दिया, गला काट दिया। पुलिस आई थी, इंक्वायरी हुई है, पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से लेके गई है। दोनों ही बदमाशों ने बड़ी ही बेरहमी से निशा को मौत के घाट उतार दिया और हत्या के बाद कर्मचारियों को बताया कि उन्होंने निशा को मार दिया है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके के लोग सन्न हैं। पुलिस ने निशा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस कर्मचारियों से लगातार पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि बदमाशों का हुलिया क्या था। इलाके में लगे आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अब तक ना तो पुलिस को बदमाशों का सुराग लग सका है और ना ही हत्या की वजह का खुलासा हो पाया है। और पुलिस को सूचना दिया है, उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर वो लोग कौन थे और किस परिस्थिति में उसने हत्या की, आखिर उनके बीच क्या बातचीत हुआ। पर पुलिस ये मान के चल रही है कि ये आपसी रंजिश, ये लूटपाट का मामला नहीं है, क्योंकि ये इसमें जो एंट्री हुआ है फ्रेंडली एंट्री हुआ है। मालकिन जो थी निशा, वो जानती थी उन दोनों युवकों को। अब पुलिस फिलहाल उन दोनों युवकों की तलाश कर रही है ताकि इस हत्या के पीछे सही वजह का खुलासा हो सके। अपने सहयोगी कुलदीप के साथ संजीव मानकर, टोटल न्यूज़ दिल्ली।